लाया हूँ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अच्छा समय आने पर ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा अच्छा समय आ गया है। तो दोस्तों, आप इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि अच्छा समय का आता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे थे। यह गांव संघर्षों, दुखों और समस्याओं से घिरा हुआ था। गांव के लोग अभावों से घबराए हुए थे और हर रोज कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन जी रहे थे। उनकी जिंदगी में सुख शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। लोग निरंतर किसी न किसी मुसीबत में उलझे रहते थे। गांव के बुजुर्गों ने बुद्ध से विनती की, हे महात्मा, कृपया हमारे गांव की हालत सुधारने में हमारी सहायता करें। हम बहुत कठिनाई में हैं और आपकी ज्ञान की बातें हमारे लिए मार्गदर्शन बन सकती हैं। बुद्ध ने लोगों की पीड़ा को समझा और उन्हें ध्यान से सुना। अगले दिन सुबह बुद्ध ने गांव के लोगों को एक वृक्ष के नीचे इकट्ठा किया। उन्होंने सभी से कहा, मैं तुम सबको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। सभी लोग ध्यानपूर्वक बुद्ध की ओर देखने लगे। बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक व्यक्ति था जो बहुत दुखी और असंतुष्ट था। वह हमेशा सोचता था कि उसकी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं है। उसने कभी सुख और शांति का अनुभव नहीं किया। लोगों के बीच हलचल होने लगी। सबको लगा कि बुद्ध उसी गांव के हालात को बयान कर रहे हैं। बुद्ध ने आगे कहा, एक दिन उस व्यक्ति ने एक संत से मिलने का निश्चय किया। संत ने उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें अच्छे समय की प्रतीक्षा का एक संकेत दूंगा जिसे तुम पहचानना सीखोगे। संत ने उसे एक बीज दिया और कहा, इस बीज को कहीं लगाकर हर रोज ध्यान से देखना। जब इसे देखोगे तो तुम्हें अपने भीतर कुछ संकेत मिलेंगे। वह व्यक्ति थोड़ा उलझा, परंतु संत पर विश्वास करते हुए उसने उस बीज को अपने आंगन में बो दिया। हर दिन वह बीज की ओर देखता, लेकिन उसे कोई बदलाव नजर नहीं आता। धीरे धीरे उसे थोड़ा हताशा होने लगी। वह सोचने लगा, क्या ये बीज कभी अंकुरित होगा? क्या मैं कभी अपने जीवन में बदलाव देख पाऊंगा? कुछ दिनों के बाद उस बीज से एक छोटी सी कोंपल फूट निकली। उसे देखकर व्यक्ति को थोड़ा आशा हुई। उसने रोज उस पौधे को देखा, उसे पानी दिया और देखभाल की। कुछ दिनों के बाद पौधा बड़ा होने लगा और उसकी हरी हरी पत्तियां निकल आईं। उस व्यक्ति को ऐसा लगा जैसे उसके जीवन में भी आशा की नई किरण फूट रही हो। बुद्ध ने कहा, उस पौधे का बढ़ना उस व्यक्ति के लिए एक संकेत था। उसे लगने लगा कि जिस प्रकार यह बीज अंकुरित हुआ और पौधा बन गया, उसी प्रकार उसका जीवन भी धीरे धीरे बदल रहा है। गांव के लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और उनकी आंखों में आशा की चमक दिखने लगी थी। बुद्ध ने आगे कहा, अच्छे समय के संकेत हम सभी के जीवन में होते हैं। जब हमें विश्वास होता है, धैर्य रखते हैं और अपने कर्म में लगे रहते हैं, तब समय हमें अपने संकेत देना शुरू कर देता है। गांव के एक युवक ने पूछा, हे भगवान, लेकिन हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे जीवन में अच्छे समय के संकेत कब आएंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे उस बीज से पौधा होगा, वैसे ही जीवन में भी अच्छे समय के संकेत छोटे छोटे बदलावों से आते हैं। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हो और धीरे धीरे समाधान मिलना शुरू होता है, तब समझो कि अच्छे समय के संकेत आ रहे हैं। जब तुम्हारे मन में शांति और संतोष की भावना आने लगे, तब जानो कि अच्छे समय का आगमन हो रहा है। और सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि तुम स्वयं को और दूसरों को खुश और शांत महसूस कराने लगते हो। गांव के लोगों को यह समझ आ गया कि वे अपने जीवन में अच्छे समय की प्रतीक्षा तभी कर सकते हैं जब वे धैर्यपूर्वक कर्म करते रहें और अपने अंदर सकारात्मकता को बनाए रखें। गांव में एक नया जोश भर गया और लोग अपनी अपनी जिंदगी में धैर्य और आशा के साथ चलने लगे। गौतम बुद्ध ने गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया और कहा, हमेशा याद रखना, अच्छे समय के संकेत तभी प्रकट होते हैं जब हम खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास बनाए रखते हैं। जीवन में सब कुछ धीरे धीरे और समय के साथ ही बदलता है, इसलिए धैर्य रखो और प्रतीक्षा करते रहो। बुद्ध की यह कहानी गांव के लोगों के दिल में उतर गई। उन्होंने सीखा कि अच्छे समय की प्रतीक्षा में हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना ही उन्हें उनके लक्ष्य की ओर ले जा सकता है।
यही एक व्यक्ति की यात्रा है। धैर्य, कर्म और विश्वास से अच्छे समय की प्रतीक्षा करना और संकेतों को पहचानना। चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक और कहानी बताते हैं जिसमें गौतम बुद्ध ने बताया है कि कैसे आप अपना अच्छा समय ला सकते हैं और अपने बुरे समय को खत्म कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने बताया। गौतम बुद्ध को कैसे मिला ज्ञान? राजा के यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। पिता ने ज्योतिषियों को बुलवाकर भविष्य पूछा। उन्होंने कहा, या तो यह सम्राट होगा और या तो यह साधु होगा। एक तरह से देखा जाए तो सच्चा सम्राट भीतर से ही साधु होता है। जब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी राजा ने सुनी तो वे घबरा गए कि मेरा बेटा साधु हो जाए, ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने पूछा, कोई उपाय बताए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राजा का पुत्र राजा ही बने। ज्योतिषियों ने कहा कि इसका लालन पालन व पूरा जीवन बड़ी सावधानी में बिताना होगा, अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को ना देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को ना देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को ना देखे। जब तक ऐसा होगा तब तक वे राजा ही बने रहेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधु बन जाएंगे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया, बड़े से बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास दासियां और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं के ढेर लगा दिए। पिता ने पुत्र को सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। शुद्धोधन ने समझ लिया कि अब वे इतने सुखों के आगे साधु बनने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वे निश्चिंत हो गए। राजा शुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार और मृतक व्यक्ति को ना देख सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीत रहा था। उसके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवाह हो गया। विवाह हो जाने पर शुद्धोधन की आधी चिंता मिट गई। अब तो शादी हो गई, अब कहाँ जाएगा ये? अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध गया, अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। एक वर्ष बाद बेटे का भी जन्म हो गया, उसका नाम राहुल रखा गया। अब राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब यह कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी, आपकी आज्ञा हो तो आज देखाऊं। राजा ने कहा, हाँ हाँ अवश्य जाओ, अपना शहर देख कर आओ। एक सारथी को भी साथ में भेज दिया कि जाओ राजकुमार को राजधानी घुमा फिरा कर लाओ। फिर भी राजा ने चाक चौबंद इंतजाम कर रखा था कि कहीं चूक ना हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए थे, पर घूमते घूमते सिद्धार्थ ने थोड़ा उल्टा मार्ग ले लिया। वे उस मार्ग से गुजरने लगे जहाँ पर तैयारी नहीं थी, और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। कमर झुकी हुई, पूरी चमड़ी में झुर्रियां पड़ी थी, वह परेशानी और दुख से बेहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा और एक सारथी से उन्होंने कहा, क्या एक दिन मैं भी ऐसे बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में तीन अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन तुम भी बुढ़ापे की अवस्था में जाओगे। हे राजकुमार, यह संसार का नियम है, चाहे गरीब हो या अमीर, सबका शरीर शिथिल अर्थात बूढ़ा होता है। राजकुमार सोच में पड़ गए। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इसीलिए यह कर्रा रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों हैं। यह अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है कोई सुखी है। क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूँ? सारथी ने कहा, आप यह विचार अभी छोड़ दें, समय बड़ा बलवान होता है। यह सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती हैं, चाहे राजा हो या रंग, सुख दुख सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वह आएगा। यह सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को कुछ और आगे बढ़ाया तो सामने से चार कंधों पर एक अर्थी को लेकर जाते हुए देखा। राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा। उसने सारथी से पूछा, यह क्या है? यह आदमी मर गया है, यह मुर्दा है। जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांधकर शमशान भूमि ले जाते हैं, फिर जहाँ पर उसे जला दिया जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है।